आपके किचन कितना भी सुंदर हो या फिर कितना भी मॉडर्न हो, तब तक बेकार है जब तक उसमें एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर न हो। आज के जमाने में लगभग प्रत्येक घर में आपको मिक्सर ग्राइंडर देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से मिक्सर ग्राइंडर किचन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि जिन मसालों को पीसने में हमें ज्यादा टाइम और ज्यादा मेहनत लगता है, वह काम मात्र 2 से 4 मिनट में हो जाता है। लेकिन अपने लिए एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर चूज करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसे ही एक मेरा दोस्त है जिसका नाम आशीष है, वह बिना सोचे समझे एक मिक्सर ग्राइंडर खरीदता है, लेकिन कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद उसका मिक्सर ग्राइंडर वर्क ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस पर वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको फरवरी 2023 में मिलने वाले इंडिया के टॉप 4 बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बताऊंगा और उन मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा जो आशीष ने मिक्सर ग्राइंडर खरीदते वक्त किया था, जिससे आपको उसकी तरह पछताना न पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रिव्यू को शुरू करते ले। आप भी इस तिरंगे का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देना। मैंने तो जय हिंद लिख दिया है, अब आपकी बारी। तो हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर बोच का तुरे मिक्स मॉडल आता है। 1000 वॉट वाला इस मिक्सर ग्राइंडर में आपको स्टेनलेस स्टील से बने 4 जार देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो मैं चौथे नंबर पर फिलिप्स कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर रखना चाहता था, लेकिन जब मैंने बोच के इस मॉडल को देखता हूँ तो मुझे यह अच्छा लग गया। यह लॉक लिड के साथ आता है जो आपको हैंड फ्री ऑपरेशन देता है, जिससे ग्राइंडिंग के दौरान जार को पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि यह 1000 वॉट पावर वाला है, इसलिए यह हार्ड से हार्ड मसालों को बहुत ही आसानी से और बारीक पीसता है। और यदि बात करें इसके कॉन्स की, तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल है और कुछ लोगों का कंप्लेन है कि यह थोड़ा सा नॉइज अधिक करता है, लेकिन मेरे हिसाब से यह कोई बहुत बड़ा कॉन्स नहीं है। लेकिन किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को खरीदने से पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, उसके बाद ही किसी मिक्सर ग्राइंडर को खरीदने का फैसला लें। आगे बढ़ते हैं और बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर इन इंडिया के तीसरे नंबर पर वेडियम कंपनी का 750 वॉट पावर वाला मिक्सर ग्राइंडर आता है। वैसे तो यह कंपनी अन्य की तुलना में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट किसी से कम भी नहीं है। इसकी वेट ग्राइंडिंग बहुत ही शानदार है और इसमें दिया गया जार मिक्सर ग्राइंडर के बेस में आसानी से लॉक हो जाता है। यदि बात करें इसके कॉन्स की, तो यह ड्राई ग्राइंडिंग के मामले में उतना ज्यादा अच्छा नहीं जितना कि वेट ग्राइंडिंग में, और यह ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा नोइजी है। यदि आप एक बजट फ्रेंडली मिक्सर ग्राइंडर खरीदना चाहते हैं तो इसे चेक आउट कर सकते हैं। बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर इन इंडिया के दूसरे नंबर पर सुजाता कंपनी का 900 वॉट वाला मिक्सर ग्राइंडर आता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि सुजाता कंपनी के प्रोडक्ट को ज्यादातर कमर्शियल वाले लोग खरीदते हैं, जिन्होंने होटल या रेस्टोरेंट खोला है। सुजाता के इस मिक्सर ग्राइंडर को यूज और क्लीन करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा इस मिक्सर ग्राइंडर की एक और खास बात की, इसकी वेट और ड्राई ग्राइंडिंग परफॉर्मेंस अन्य मिक्सर ग्राइंडर की तुलना में बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, यदि बात करें इसके कॉन्स की, तो इसमें कोई ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच नहीं दिया गया है और इसके अलावा इसे कई साल यूज करने पर जार का व्हाइट पेंट उतर जाता है। चूंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। बेस्ट मिक्सर ग्राइंडर इन इंडिया के पहले नंबर पर प्रीति कंपनी का प्रोडक्ट आता है। इस कंपनी के सबसे खास बात जो मुझे अच्छी लगी कि इसका आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि कई कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद लेने पर यदि उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिपेयर करवाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और तो इसके साथ मिल रहा फूड प्रोसेसर भी काफी शानदार है। बात करें इसके कॉन्स की, तो यदि आप इसके जार में थोड़ा सा मसाला पीसते हैं तो यह मिक्सर ग्राइंडर उतना ज्यादा बारीक नहीं कर पाता है। यदि आप यहाँ पर बताए गए किसी भी मिक्सर ग्राइंडर के लेटेस्ट प्राइस को चेक करना चाहते हैं या फिर इन्हें बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे डिस्काउंटेड लिंक को जरूर चेक करें। यहां से खरीदने पर आपको मार्केट से भी कम प्राइस में मिलेगा।